हम इस वीडियो में मोहम्मद शमी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मोहम्मद सिराज के बीच लास्ट 20 इनिंग टेस्ट और ओडीआई बॉलिंग कंपैरिजन करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद शमी का जन्म 1990 में हुआ था। मिचेल स्टार्क का भी जन्म 1990 में हुआ था। पैट कमिंस का जन्म 1993 में हुआ था और मोहम्मद सिराज का जन्म 1994 में हुआ था। मोहम्मद शमी 32 साल के हैं, मिचेल स्टार्क 33 साल के हैं, पैट कमिंस 29 साल के हैं और मोहम्मद सिराज 28 साल के हैं। मोहम्मद शमी का हाइट 5 फुट 10 इंच है, मिचेल स्टार्क का हाइट 6 फुट 6 इंच है, पैट कमिंस का हाइट 6 फुट 4 इंच है और मोहम्मद सिराज का हाइट 5 फुट 10 इंच है। मोहम्मद शमी राइट हैंडेड बैट्समैन है, मिचेल स्टार्क लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, पैट कमिंस राइट हैंडेड बैट्समैन है और मोहम्मद सिराज भी राइट हैंडेड बैट्समैन है। मोहम्मद शमी राइट आर्म फास्ट बॉलर है, मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, पैट कमिंस राइट आर्म फास्ट बॉलर है और मोहम्मद सिराज भी राइट आर्म फास्ट बॉलर है। मोहम्मद शमी का जर्सी नंबर 11 है, मिचेल स्टार्क का जर्सी नंबर 56 है, पैट कमिंस का जर्सी नंबर 30 है और मोहम्मद सिराज का जर्सी नंबर 73 है। लास्ट 20 इनिंग ओडीआई बॉलिंग कंपैरिजन। मोहम्मद शमी ने ओडीआई डेब्यू 22 साल की उम्र में किया था। मिचेल स्टार्क ने ओडीआई डेब्यू 20 साल की उम्र में किया था। पैट कमिंस ने ओडीआई डेब्यू 18 साल की उम्र में किया था और मोहम्मद सिराज ने ओडीआई डेब्यू 24 साल की उम्र में किया था। मोहम्मद शमी ने 20 इनिंग खेलकर 32 विकेट्स लिए हैं। मिचेल स्टार्क ने 20 इनिंग खेलकर 36 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस ने 20 इनिंग खेलकर 31 विकेट्स लिए हैं और मोहम्मद सिराज ने 20 इनिंग खेलकर 38 विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद शमी का बॉलिंग इकोनॉमी 6.06 है। मिचेल स्टार्क का बॉलिंग इकोनॉमी 5.16 है। पैट कमिंस का बॉलिंग इकोनॉमी 5.42 का है और मोहम्मद सिराज का बॉलिंग इकोनॉमी 4.43 का है। मोहम्मद शमी का बॉलिंग औसत 30.71 का है। मिचेल स्टार्क का बॉलिंग औसत 25.69 का है। पैट कमिंस का बॉलिंग औसत 30.16 का है और मोहम्मद सिराज का बॉलिंग औसत 18.73 का है। मोहम्मद शमी ने 1 बार 4 विकेट्स लिए हैं। मिचेल स्टार्क ने भी 1 बार 4 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस ने भी 1 बार 4 विकेट्स लिए हैं और मोहम्मद सिराज ने 2 बार 4 विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद शमी ने 8 मेडन ओवर डाले हैं। मिचेल स्टार्क ने भी 8 मेडन ओवर डाले हैं। पैट कमिंस ने 14 मेडन ओवर डाले हैं और मोहम्मद सिराज ने 17 मेडन ओवर डाले हैं। मोहम्मद शमी ने 0 बार 5 विकेट्स लिए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 63 रन देकर 4 विकेट्स है। मिचेल स्टार्क ने 1 बार 5 विकेट्स लिए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 48 रन देकर 5 विकेट्स है। पैट कमिंस ने 0 बार 5 विकेट्स लिए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 35 रन देकर 4 विकेट्स है। मोहम्मद सिराज ने भी 0 बार 5 विकेट्स लिए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 32 रन देकर 4 विकेट्स है। मोहम्मद शमी का फास्टेस्ट बॉलिंग स्पीड 153 किलोमीटर पर आवर है। मिचेल स्टार्क का फास्टेस्ट बॉलिंग स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। पैट कमिंस का फास्टेस्ट बॉलिंग स्पीड 151 किलोमीटर पर आवर है और मोहम्मद सिराज का फास्टेस्ट बॉलिंग स्पीड 145 किलोमीटर पर आवर है। मोहम्मद शमी ने 5 कैच पकड़े हैं। मिचेल स्टार्क ने 13 कैच पकड़े हैं। पैट कमिंस ने 6 कैच पकड़े हैं और मोहम्मद सिराज ने 4 कैच पकड़े हैं। मोहम्मद शमी 1 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 31 पे है। मिचेल स्टार्क 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 4 पे है। पैट कमिंस 0 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 15 पे है। मोहम्मद सिराज भी 0 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे है। लास्ट 20 इनिंग टेस्ट बॉलिंग कंपैरिजन। मोहम्मद शमी ने टेस्ट डेब्यू 23 साल की उम्र में किया था। मिचेल स्टार्क ने टेस्ट डेब्यू 21 साल की उम्र में किया था। पैट कमिंस ने टेस्ट डेब्यू 18 साल की उम्र में किया था और मोहम्मद सिराज ने टेस्ट डेब्यू 26 साल की उम्र में किया था। मोहम्मद शमी ने 20 इनिंग खेलकर 36 विकेट्स लिए हैं। मिचेल स्टार्क ने 20 इनिंग खेलकर 34 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस ने 20 इनिंग खेलकर 40 विकेट्स लिए हैं और मोहम्मद सिराज ने 20 इनिंग खेलकर 30 विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद शमी का बॉलिंग इकोनॉमी 3.13 का है। मिचेल स्टार्क का बॉलिंग इकोनॉमी 3.04 का है। पैट कमिंस का बॉलिंग इकोनॉमी 2.59 का है और मोहम्मद सिराज का बॉलिंग इकोनॉमी 3.58 का है। मोहम्मद शमी का बॉलिंग औसत 27.94 का है। मिचेल स्टार्क का बॉलिंग औसत 27.29 का है। पैट कमिंस का बॉलिंग औसत 22.02 का है और मोहम्मद सिराज का बॉलिंग औसत 31.93 का है। मोहम्मद शमी ने 2 बार 4 विकेट्स लिए हैं। मिचेल स्टार्क ने भी 2 बार 4 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस ने 1 बार 4 विकेट्स लिए हैं और मोहम्मद सिराज ने 3 बार 4 विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद शमी ने 70 मेडन ओवर डाले हैं। मिचेल स्टार्क ने 64 मेडन ओवर डाले हैं। पैट कमिंस ने 89 मेडन ओवर डाले हैं और मोहम्मद सिराज ने 43 मेडन ओवर डाले हैं। मोहम्मद शमी ने 1 बार 5 विकेट्स लिए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 44 रन देकर 5 विकेट्स है। मिचेल स्टार्क ने 0 बार 5 विकेट्स लिए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 33 रन देकर 4 विकेट्स है। पैट कमिंस ने 2 बार 5 विकेट्स लिए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 42 रन देकर 5 विकेट्स है। मोहम्मद सिराज ने 0 बार 5 विकेट्स लिए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 32 रन देकर 4 विकेट्स
से। मोहम्मद शमी ने 5 कैच पकड़े हैं, मिचेल स्टार्क ने 2 कैच पकड़े हैं, पैट कमिंस ने 8 कैच पकड़े हैं और मोहम्मद सिराज ने 6 कैच पकड़े हैं। मोहम्मद शमी 0 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और ICC रैंकिंग में नंबर 18 पे है। मिचेल स्टार्क भी 0 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और ICC रैंकिंग में नंबर 9 पे है। पैट कमिंस 1 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे है। मोहम्मद सिराज 0 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और ICC रैंकिंग में नंबर 46 पे है। मोहम्मद शमी का टोटल नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ है। मिचेल स्टार्क का टोटल नेटवर्थ लगभग 148 करोड़ है। पैट कमिंस का टोटल नेटवर्थ लगभग 336 करोड़ है और मोहम्मद सिराज का टोटल नेटवर्थ लगभग 47 करोड़ है।